Morning students, today we will start our chapter number 1, Cranky Macaw. Many different animals, birds, even reptiles are kept as a pet. Dogs are popular pets as they are friendly and are good company, especially for children. Some people have cats as pets because cats are very independent. Parakeets can be trained to walk. In olden days, sailors and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as a pets. This is the story of sailor and his pet, a macaw. Hindi explanation. Many different animals means कई प्रकार के जानवर, बर्ड्स पक्षियां एंड इवन रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स हियर द स्नेक. रेप्टाइल्स का मतलब है स्नेक. स्नेक आर केप्ट एज ए पेट. सबको पालते हैं, जिसमें डॉग पॉपुलर है क्योंकि वो हमारे साथ दोस्ती करने में और उसकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, खास करके आप बच्चों को. Some people have cats and pets because cats are very independent. Parakeets can train to talk. In olden days, sailors and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parrots as a pets. This is story of sailor and his pet, a macaw. कुछ लोगों को कुछ लोगों के पास बिल्लियाँ, बिल्लियों के पालतू जानवर होते हैं क्योंकि बिल्लियाँ इंडिपेंडेंट होती हैं, मीन्स स्वतंत्र होती है. पैराकेट्स, को बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है. पुराने समय में क्या होता था कि जो नाविक और जो समुद्र में समुद्री डाकू, यहाँ पे पायरेट्स किसको कहा गया है, समुद्री डाकू, जो समुद्र के भीतर समुद्र में कई समय बिताते थे, उनके पास होती थी पेट्स. कौन सी पेट्स? जो पैराकिट्स एज अ पेट्स. दिस इज अ स्टोरी ऑफ सेलर. यह स्टोरी है एक नाविक और उसके पेट की, जिसका नाम था मकाओ. Old sailor Johnny J loved the sea. From the year he turned 12, he started sailing. Since then, it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He did not like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on the island of Guyana, where he chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. Here the island means चारों तरफ पानी होता है बेटा, उसके पानी होता है, बीच में जमीन का टुकड़ा होता है, उसे कहते हैं island. पुराने sailor Johnny J loved the sea means जॉनी जे को समुद्र बहुत पसंद था. फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12, जब से वह 12 साल का हुआ था तब से उसे नौकायान, सेलिंग मीन्स नौका चलाने वाले, नौकायान. सिंस देन इट वॉज बीन 66, अब वह 66 ईयर्स का हो गया है. वह 12 साल से 66 ईयर्स तक के वो सिर्फ सेलिंग करता रहा. ही सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया में घुमा है. ही हैज सीन मेनी कंट्रीज, उसने कई देश देखे, लेकिन समुद्र उसका घर था. वह लंबे समय तक ज़मीन पर रहना पसंद नहीं करता. गुआना एक द्वीप, मैंने बताया ना आपको आइलैंड, पर उसका एक छोटा सा
कैबिन था जो आप फोटो में देख रहे हैं, कैबिन में बैठा हुआ है कौन? जॉनी जे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया, जो पास के आइलैंड पर रहता था। जॉनी जे का वर्षों से केवल एक ही निरंतर दोस्त था, वो कौन था? पागल कोट यानी कि क्रेजी कोट। पागल कोट यानी कि यहाँ पे कहा गया है क्रेजी कोट। क्रेजी का मतलब होता है पागल, कोट का मतलब होता है उसका सरनेम, क्रेजी कोट। एज ही वॉज नोन, वो उसी नाम से प्रचलित था। स्पोक लाइक अ मैन बट विद अ वेरी ओल्ड श्रिंकिंग टोन। क्रेजी कोट एंड जॉनी जे बोथ लव द सी। क्रेजी कोट और जॉनी जे दोनों को समुद्र बहुत पसंद था। लाइक ऑल सेलर्स, जैसे बाकी नाविक को पसंद था। इन्जॉय देयर ओन कंपनी, दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते थे। मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी, उनको लोगों से मिलना बहुत ही पागलपन लगता था। बट वॉट मेड क्रेजी कोट रियली स्पेशल वॉज दैट ही वॉज मकाओ, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरोट। पर क्रेजी कोट था कौन? एक अमेरिकन पैरोट था जो बोल सकता था। हीज प्लमेज, प्लमेज मीनिंग हियर इज द फैदर कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी, जो पंख पूरी पक्षियों के शरीर को कवर करती है, पूरा ढक देती है। हीज प्लमेज एंड टेल फैदर्स वर स्कैरलेट इन कलर, द रंप ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग ऑफ येलो। मकाओ वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन टॉट टू स्पीक। मकाओ जो था वो बहुत ही ट्रेंड पक्षी था, जो स्कैरलेट का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है ब्राइट रेड यानी कि गहरा लाल। द रंप ऑफ लाइट ब्लू, रंप मीन्स बैक साइड उसका लाइट ब्लू कलर था। अपर विंग उसके कौन से कलर के थे? येलो। मकाओ वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था और इंसानों की तरह बात कर सकता था। क्रेजी कोट हैड अ बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेट ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज विद जॉनी जे एंड कुड इमिट्रेट साउंड्स ऑफ गन फायर। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम टर्न द पेज मूवीज। ही लव्ड टू विसल वेन एवर ही सॉ अ गर्ल और वुमेन, ही वुड विसल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट जॉनी जेज हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। जॉनी जे एंड क्रेजी कोट वर अ वेल मैच्ड पेयर, स्टड बर्न एंड सोलैरिटी। हियर क्रेजी कोट बहुत बैड टेम्पर था। बैड टेम्पर हियर मीन्स वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। कौन? क्रेजी कोट। क्रेजी कोट हैड अ बैड टेम्पर, मतलब क्रेजी कोट एक बुरा स्वभाव का पक्षी था। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। ही वुड शाउट, बहुत चिल्लाया करता था। ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन, जैसे हमें गुस्सा आता है इंसानों की तरह। ही लव्ड वॉचिंग मूवी विथ जॉनी जे एंड कुड इमिटेट साउंड्स ऑफ गन फायर। उसमें एक और खूबी थी कि वो गन फायर की आवाज़ निकाल लेता था। ही कुड स्पीक सम डायलॉग फ्रॉम सम मूवीज़, वह पिक्चरों के डायलॉग्स को बोल लेता था। ही लव्ड टू विसल, उसे सीटी बजाना बहुत पसंद था। वेन एवर ही सॉ अ गर्ल और वुमेन, जब भी वह किसी लड़की या महिलाओं को देखता था वह तुरंत सीटी बजाता था और ऐसे प्रिटेंड करता था, ऐसे शो करता था जैसे कि वह बेहोश हो गया है। ही ऑल्सो थ्रीव हिज फेवरेट फूड, वह अपने पसंदीदा खाने को फेंक देता था जैसे सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट जॉनी जे हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। और वह कहाँ छुपा देता था फेंक के?
घर के पीछे। जॉनी जे एंड क्रेजी कोट वर ए वेल मैच पेयर। ये दोनों की जोड़ी बहुत ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। स्टर्ट बर्न, हियर द स्टर्न बर्न मीनिंग स्टर्न बर्न एंड सोलैरिटी। सोलैरिटी ही द हियर मीनिंग इज एकांत। स्टर्न बर्न मीन्स जिद्दी। क्या है? स्टू बर्न मीन्स जिद्दी। जॉनी जे ओल्डर सिस्टर मिसी मे वॉज नॉट फाउंड ऑफ द मकाओ। शी वुड विजिट देम वेन जॉनी जे एंड क्रेजी कोट वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आईलैंड ऑफ गोना। वेन एवर मिसी मे वॉज अराउंड क्रेजी कोट ही वुड स्क्रीच एट हर। Then he would make sounds of police siren and gunshot and laugh loud. Missy me as you can imagine you was very happy and crazy good. Johnny J की बड़ी बहन थी कौन? Missy me। कौन थी? Missy me। Was not found of Macau। वह जब घर पहुंची तो उन्होंने मकाओ को नहीं देखा। She would visit them when Johnny and Crazy Coot were staying in their home. वह ग्वाना द्वीप पर अपने घर में रह रहे थे। जॉनी जे की बड़ी बहन मिसी में was not fond of Macau. मकाओ को वो पसंद नहीं करती थी। She was visited them when Johnny J and Crazy Coot were staying in their home. वह उनके घर आई कहाँ? गुआना में, आइलैंड में आई जहाँ पे वो दोनों रहा करते थे। और वो क्रेजी कुट को देखने लगी इधर उधर। ही वुड स्क्रीच एट हर। स्क्रीच मतलब मेक अ लाउड हाई अनप्लीजेंट साउंड। वह जोर से अपनी आवाज़ निकालने लगा। मिसी में वॉज अराउंड क्रेजी कुट। ही वॉज स्क्रीच एट हर। देन ही वुड मेक अ साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शूट लाफ अलाउड। वह जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस सायरन की आवाज़ निकालने लगा और गन शूट की। मिसी में एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कुट। आप सब इतना पैरा पढ़ के जान गए होंगे कि मिसी में जो थी वो क्रेजी कुट को पसंद नहीं करती थी। एक वन आफ्टरनून मिसी में केम टू विजिट जॉनी जे। वैन She did not find her brother in house. She decided to sleep in the parlor for some time. She ignored Crazy Coot when he did not get the attention that he wanted. Crazy Coot started muttering and then hid behind some books. एक दोपहर की बात है। मिसी में कहाँ आई? जॉनी जे के घर पे आई। When she did not find her brother in house in the house. वह अपने भाई को जब उन्होंने नहीं देखा तो क्या करी? वो डिसाइड करी, उन्होंने सोचा, निर्णय लिया कि पार्लर में जाकर कुछ देर आराम कर लो। वो क्रेजी कुट को इग्नोर कर रही थी। वो उन्होंने उन्हें जैसे आ गई हैं तो क्रेजी कुट को उन्होंने देखा कि वो नहीं है, क्रेजी कुट कमरे में नहीं है। और क्रेजी कुट कहाँ छिपा हुआ था? वैन ही डिड नॉट गेट अटेंशन दैट ही वॉन्टेड क्रेजी कुट स्टार्टेड मटरिंग एंड देन हाइड बिहाइंड द बुक्स। और वो कहाँ जाके छुप गया? किसके पीछे जाके छुप गया? वो बुक्स के पीछे। देन अ चीफ क्लाइम्ड इन फ्रंट ऑफ द विंडो ऑफ द पार्लर। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेक अप मिसी मे। बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट द क्रेजी कुट हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स। उसके बाद जो चोर था वो कहाँ आया? किसके कहाँ से आया? विंडो से पार्लर में अंदर घुसा। ही स्टार्टेड और जल्दी जल्दी वह सामान को उठा के अपने बैग में भरने लगा। बट द थीफ और वहीं पे वो मिसी में सो रही थी। पर वो चोर जान रहा था कि वो सोई है पर उसे उठाना नहीं चाह रहा था। अगर वो उठा देता तो मिसी में आवाज़ लगा के पुलिस को बुला लेती। बट
द थीफ डिड नॉट नो क्रेजी कोट, बट वह किसको नहीं जान रहा था कि क्रेजी कोट किताबों के पीछे छुपा बैठा है, वह नहीं जान रहा था चोर। आउट ऑफ नाउ हियर समवन शाउटेड, यू थीफ यू किल मी, यू लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। इट वॉज फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शूट। सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इन टू स्टोन, पर वहीं से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे आवाज़ चिल्ला रहा है कोई कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आई विल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप जेल चले जाओगे। इट वॉज फॉलोड बाय द साउंड ऑफ पुलिस सायरन, और वो वहीं पे पुलिस सायरन आवाज़ आने लगी, गन शूट की भी आवाज़ आई। सडनली द थीफ स्टूड एज इफ ही टर्नड इन टू स्टोन, वहीं पे जो चोर था वो कैसा हो गया, पत्थर की तरह जम गया। द थीफ जम्प टू एस्केप एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर्स शॉट अप फ्रॉम द चेयर। सरप्राइज द थीफ ट्रिप्ड एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, ही फेंटेड। मिसी मे देन कॉल द पुलिस हु अरेस्ट द थीफ, फीलिंग एथेस्टिक एज being saved. Missy May went to Crazy Coot to pet him, but what do you think did the already irritated Crazy Coot do? Crazy Coot said, you thief, you kill me, leave me alone, I call police, you go to jail. The police frozen when they heard Crazy Coot and then burst out laughing. They understood how Missy May was able to escape unhurt. थीव जम्प टू एस्केप, चोर भागने के लिए कूद पड़ा। सेम टाइम द सिस्टर शाउट अप फ्रॉम द चेयर, सरप्राइज्ड कूद पड़ा, और उसी समय मिसी में जो थी कुर्सी से गोली चला दी। आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित। द थीव ट्रिप्ड, और जो चोर था वह फिसल गया। He faint on the table, और उसका सर किसके पर जाके लगा, टेबल पे, और वह बेहोश हो गया। मिसी मैन फिर पुलिस को बुलाया उन्होंने, who arrested the thief, feeling ecstatic, very happy at being saved. मिसी मे went to Crazy Coot to pet him, but what do you think did the already irritated Crazy Coot do? क्या बट आप क्या सोच रहे हो कि यही पागल क्रेजी कोट ने ही किया था? हाँ, इसी क्रेजी कोट ने किया था। क्रेजी कोट सेड, यू थीफ यू किल मी, उसने क्या कहा कि तुम चोर मुझे मार दोगे, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, नहीं तो तुम जेल जाओगे। द पुलिस फ्रोजन व्हेन दे हर्ड द क्रेजी कोट वॉइस, और जब पुलिस ने सारी क्रेजी कोट की आवाज़ें सुनी तो वो खुद जम के रह गई और जोर जोर से हंसने लगी। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मे वॉज एबल टू एस्केप अनहर्ट, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मिसी मे को उन्होंने अपनी आवाज़ से बचाया। किसने बचाया? क्रेजी कोट ने बचाया।